ओफो, गर्मी है कि उनको से जान लिए ले रही। अरे वो देखो बाहर ई रिक्शा वाला खड़ा है, उसे ऐसा पैसे दिया भैया, 100 कुछ रुपए हुए हैं, हमारा 500 का नोट पड़ा, टूटे हैं ही नहीं बिल्कुल। दे या अक्षत के रोके की फोटो भेज दो, 3 दिन से तुमसे मांग रहा, दे ही नहीं रहे। ग्रुप में चेक करो ना। कौन से ग्रुप में? स्वीट फैमिली वाले पे? उसको छोड़े हमें 3 महीने हो गए हैं ना, और ग्रुप बाजी हमको वैसे भी नहीं पसंद, उस ग्रुप में क्या होता है वो हमें सब पता है। ठीक है, किसी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें भी किसी की नहीं है, आप हमारे पर्सनल पे हमें फोटोज भेजिए। ये फोटो कितनी अच्छी आई हमारी। अच्छा ये बताओ, जोशना की बहू नहीं आई थी ना? अब ये सब हमको नहीं पता। तुम्हें दिखी थी? नहीं, हमें नहीं दिखी थी। हाँ तो नहीं आई थी, हमको पता था नहीं आएगी, बहुत दिनों से दोनों में अनबन चल रही है, वो हमें लग रहा मायके में बैठी, वहीं से नहीं आई है वो। ए भैया देखो, वहां भी तुमसे पूछना चाह रहे थे, प्रकाश के साथ कौन खड़ी है? ये उसकी वाइफ है। वाइफ है? प्रकाश की शादी हो गई? और क्या, 6 महीने पहले हो गई थी। ये तो मोनू 2 साल छोटा था। हाँ, बताओ इसकी शादी हो गई। हमारे मोनू कहीं दसियों नखरे हैं, वो बैंगलोर में क्या रहने लगे हैं, उनको बैंगलोर की ही लड़की चाहिए, फिर उनको वाइफ भी मिलानी, कंपैटिबिलिटी भी मिलानी है। कंपैटिबिलिटी? हाँ वही, हमें तो लग रहा है हमारे जीवन में बहू का सुख है ही नहीं। परेशान क्यों हो रही हो? जीवनसाथी.com पे मोनू की फ्री में प्रोफाइल बन जाएगी और उसमें फ्री चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें वो अपना बात करके वाइब्स और कंपैटिबिलिटी से मैच कर सकते हैं। अच्छा, ये तो तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। आज ही देखो मोनू के साथ बैठ के इसके हम प्रोफाइल बनाते हैं, और ये जो है हमारे समय में भी होता तो मोनू के पापा से हमने भी वाइब मिला ली होती। 25 साल हो गए, आज तक ना वाइब मिली और ना कंपैटिबिलिटी मिली है।